तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं के लिए अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटली आपका ये 75 नंबर का पेपर होने वाला है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा और आप सबको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा और आपको अपने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टाइम आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 75 अंकों का होने वाला है। देखिएगा पूरा का पूरा पैसेज है ये, इन मई 1966 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो ये पूरा का पूरा पैसेज आया आपका पेपर में। अब चलो जल्दी से हम इसके आंसर को देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट वाज द स्ट्रेटजी यूज द एलिमिना ऑफ द स्प्रेड ऑफ द स्मॉल पॉक्स। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोलेशन ऑफ विक्टिम्स एंड द मास वैक्सीनेशन। तो देखो इसका राइट आंसर पहले का क्या होगा, बी। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल ऑफ द पैसेज। तो देखो द एरेडिकेशन ऑफ द स्मॉल पॉक्स इसका राइट आंसर होगा। तो देखो दूसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 3, विद रेफरेंस टू द एबव पैसेज विच स्टेटमेंट डज नॉट रिफर टू द स्मॉल पॉक्स। देखो तीसरे का राइट आंसर डी होगा, स्मॉल पॉक्स इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर। तो देखो तीसरे का राइट आंसर डी आ जाएगा। तो यहाँ से देख ले आप सब लोग इसको। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फ्रॉम द एबव पैसेज इट कैन बी इन्फ्रेट डेट। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखो चौथे का राइट आंसर आपका सी होगा। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट वाज द गोल ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। तो देखिएगा पांचवे का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 2 में आपको इस प्रकार का पूरा पेसेज देखने को मिलेगा, जिसमें से फिर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, हाउ डज द अदर रिवार्ड हिम आफ्टर हिज सक्सेस। तो देखो पहले का राइट आंसर आ जाएगा, बाय टेकिंग ए शॉर्ट हॉलीडे। तो देखो पहले का राइट आंसर क्या होगा, सी। व्हाट डज द अदर ट्राई टू कन्वे। तो देखो इसका राइट आंसर होगा, वन इज टू वर्क हार्ड एंड लर्न एट लीस्ट फ्रॉम द फेलियर्स। तो देखो इसका राइट आंसर दूसरे का क्या आ जाएगा, ए। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, वाई डू आवर अचीवमेंट फेल और करेक्टलेट विद द पोटेंशियल। तो देखो इसका राइट आंसर आपका तीसरे का क्या आ जाएगा, डी। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इसका राइट आंसर होगा। तो देखो तीसरे का राइट आंसर डी कर लें। चौथा क्वेश्चन, व्हाट डज एवरी चांस इन आवर लाइफ टीच अस। तो देखो इसका राइट आंसर होगा, इट हेल्प अस टू लर्न। तो देखो इसका राइट आंसर चौथे का क्या आ जाएगा, बी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हाउ डज वंस सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट। तो देखो पांचवे का राइट आंसर, बाय टेकिंग रिस्क। तो देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा का पूरा लिख कर आ सको। उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 3 ये लिखा है, आप सब लोग इनको भी देख लें। उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 4 और 5 ये दिए गए हैं, आप लोग इनको भी देख लें। आप इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को देखते हैं। तो देखो 5 के बाद में देखो आपके पेपर का जो प्रश्न नंबर 6 होगा ना, उसमें इस प्रकार से एक आपको चित्र दिया जाएगा और उसमें से फिर आपको एक क्या करना है, इसके ऊपर एक पैराग्राफ आपको लिखना है, जिसको आपको 75 शब्दों में लिखना है। और अगर आप लोग इसको लिख कर आओगे तो इसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। ये लिखना मैं आपको बहुत ही जल्दी आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 जो दिया गया है, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन, दे डिडंट प्ले वेल दे वोन। तो देखो यहाँ पर आपको येट लिख देना है। देर इज नॉट वाटर इन द पूल। तो देखो इसमें आपका ए नहीं आ जाएगा। दे हैव बीन प्लेइंग हेयर 2 hours। तो देखो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद में ही हैज मेनी प्लेस। तो देखो यहाँ पर आपका रिटर्न आ जाएगा। हिज ब्रदर इज आरजे इन लोकल रेडियो स्टेशन चैनल। तो देखो इसमें आपका एन आ जाएगा। आई टेक यू पेन। तो देखो यहाँ पर आपको माई लिख देना है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन से जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके अलावा प्रश्न नंबर 8 जो होगा ना, इसमें आपसे डू एज डायरेक्टेड पूछे जाएंगे, तो इनको भी आप लोग देख लें अच्छे से और पूरा का पूरा इनको भी समझ लें। उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 9 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार से आपसे क्या पूछा जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ द कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ।
देखो पहले का राइट आंसर क्या आ जाएगा, इट्स पीपल। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, इट्स पीपल। मिसेस कीजिंग आस्क एन ए टू राइट एनी इजे, देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा पनिशमेंट। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले का, दूसरे का सी। तीसरा देखते हैं, व्हाट डिड लेंचो थिंक द ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, तो देखो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में क्या देखता है, बंच ऑफ क्रूक्स, क्या कहता है उनको, बंच ऑफ क्रूक्स, इसका राइट आंसर होगा। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट बाय, तो देखो चौथे का राइट आंसर आ जाएगा चेंजिंग हिज मूड, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को देख लो, 10 का ए वाला भाग है ये, कौन सा, ए वाला। अब देखो 10 के ए वाले भाग में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, चलो देखते हैं और समझते हैं। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ पर था, तो देखो ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली, तो देखो इसका राइट आंसर इंटीमेटली हो जाएगा, यहाँ से देख ले ये वाला। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन, विच फ्रॉम विच लेसन हैज द अबव टेक्स्ट टेकन बाय, ये कहाँ से लिया गया, तो देखो ये लिया गया ए लेटर टू गॉड। तो इस प्रकार से आप लोग देख लो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो ये 10 का बी वाला भाग है, इसमें पोएम आपको दी जाती है, फिर पोएम में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज ही स्टेयर एट, तो देखो इसका पहले का राइट आंसर आ जाएगा स्टार्स। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, तो देखिएगा ब्रिलियंट का अपोजिट क्या होगा, डल, यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर लिखा है From which poem have the above lines taken by, ये कहाँ से ली गई है, तो देखो इसको लिया गया टाइगर इन द जू से। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 11 को देख लो, जिसमें से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको सभी के सभी जो आपके क्वेश्चंस हैं ना, इन सभी का सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। मगर आप लोग अभी तक इतना समझ लो, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सको। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो, प्रश्न नंबर 12, 13, 14, 15 और ये 16 दिए गए हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही जल्दी मैं आपको इन सभी के उत्तर भी बता दूंगा। मगर आप लोग अभी पूरे पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लो, ताकि आप लोग परीक्षाओं में इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो आप सब लोग इनको देख लीजिएगा, टोटल यहाँ तक के क्वेश्चंस अपन ने देख लिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चंस आप सब लोगों को अच्छे से समझ में जरूर आ गए होंगे। तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको कंप्लीट जरूर कर लें। बहुत ही जल्दी मैं आपको एक ऐसा वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा, जिसमें कि इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन होने वाला है। तब तक आप लोग इसको पूरा अच्छे प्रकार से देख लो और पूरा का पूरा समझ लो, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सको। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों का आप सब लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा, और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा हल करके आ जाओगे। तो आप सब लोग इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो, ताकि आप लोग परीक्षाओं के पेपर में इसमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़कर ना आ सको। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको कक्षा 10वीं के समस्त विषय के वीडियो देखने हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।